अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस मुमताज़ साहिबा के एजाज़ में पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुश्ताक अहमद शीरी, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनने मुझे ये वीडियोस बना के शेयर की, तो मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ भी ज़रूर मैं शेयर करूँ। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आप सबकी भी फेवरेट है, मगर मेरी भी फेवरेट है, तो क्योंकि मैंने आपकी बेशुमार मूवीज देखी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो दौर था वो ही असल फिल्म का दौर था और वो जो स्टार थे, वो जो सुपर स्टार, वो ही आज के स्टार हैं। और अभी गाना चला था अखर नडवी बदोबदी, वो उमर शरीफ का फेवरेट सॉन्ग था। मैंने आपको शायद वो भेजा भी था कि उमर शरीफ भी उमर को बहुत ज़्यादा पसंद थे और उमर के साथ मैंने बेशुमार आपकी मूवीज देखी हैं और माशाल्लाह जैसी खूबसूरत आप फिल्मों में लगती थी वैसे खूबसूरत चेहरा आज भी ही है और दिल भी इतना खूबसूरत है, तो आपको हम वेलकम करते हैं। और हाँ, उमर होते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके ये बात कर सकते थे, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ और हम आपके साथ हैं हर कदम पे। और झलक नजर आ रही है कि मैंने सिर्फ अगर आप चुका ये तो पुराना डायलॉग है, ये भी तो मौजूद है। अच्छा, अर्ज ये करना है कि ये हमने खवातीन और हजरात जो तर्जुमा किया है ये अंग्रेजी से उर्दू में गलत तर्जुमा कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कर दिया खवातीन और हजरात। मैं कई मारा के मानू लई अख्तर मरहूम, हम लोग गए थे इनसे मिलने और इनसे ये मालूम कर ले कि आप फिल्म में काम करेंगे। इन्हें देखा, देख के बहुत दिल खुश हुआ, इतनी प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह लोग थी। और जब इनसे बात हुई तो इन्होंने भी अपनी रजामंदी जारी की। उस बात पर ये फिल्मों में आ गई, पहली फिल्म इनकी रिलीज हुई थी सिद्धि, लेकिन इनको लेके आए थे हम। एक फिल्म थी शिकार, जो कि मुस्तफा कबीर साहब ये बैठे हैं, इन्होंने प्रोड्यूस की थी। उसमें शाहिद थे हीरो, हीरोइन इनको कास्ट किया गया था। और एक और फिल्म थी शनिमाला के भूल, उसमें भी ये थी, जो कि इनकी पहली फिल्मों में से थी, लेकिन जो रिलीज हो गई थी फिल्म पहली वो थी जिद्दी। और हमने बहुत साथ काम किया है। जब मुझे उनके आने की खबर मिली तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने नदीम से कहा कि नदीम जैसे वो आए मुझे जरूर मिलाना या उन्हें मेरा जिक्र करना, तो पता चला कि वो मुझे खुद याद कर रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि उन्होंने आज भी मुझे अपने दिल में जगह ली है और याद रखकर। और मैं अभी मुमताज़ से यही कह रही थी कि मुमताज़ फिक्र न करो, तुम्हारा बेटा भी इंशाल्लाह हिट हो जाएगा जैसे मेरा बेटा हिट हो गया। मैंने कहा माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, दुआएँ करती हैं और उनके लिए हर पल उनके दिल से एक ही दुआ निकलती है कि हमारे बच्चे कामयाब हों, दुनिया में नाम पैदा करें। ये जो लोग खड़े हैं ये आपकी मोहब्बत है मुस्तफा कैशी साहब भाई, शुक्रिया। इतनी पजीराई और इतनी इज्जत अफजाई मुमताज की मौजूदगी में तो नहीं होनी चाहिए थी। आर्ट्स काउंसिल कराची ने हमेशा फनकारों को प्रमोट किया है, उनकी पसीराई की है और फिर पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के
अतर जावेद सूफी साहब, वसीम परेशी साहब, और आज की इस तकरीब पे जो फैसल लतीफ साहब ने मुमताज को इनवाइट किया, मुमताज को सबसे मिलवाया, आप सबका शुक्रिया। बात यह है कि मैं शुरू से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, सबने मुमताज की बड़ी तारीफ की है, बहुत अच्छी है, बड़ी हसीन है भाई, वो तो नजर आ रही है, इस तारीफ की मोहताज तो नहीं है, वो नजर आ रही है, वो तब भी हसीन थी, आज भी हसीन है, बेहतरीन परफॉर्मर रही है, बेहतरीन डांसर रही है, जब वो दौर था जेबा शरीबारा, वो लोग वो डांसर्स नहीं थी, लेकिन ये प्लस पॉइंट था मुमताज का कि परफॉर्मर के साथ साथ, किरदार के साथ साथ बेहतरीन डांस भी किया करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए सर, थैंक यू। जी मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुमताज को दोबारा मुमताज बना दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।